to Logan Pasala DC Ramar, that is the Palatana, KBD Biology as a special high school about this week. Previous video may have the one translation for Hatam. Achanda, lack of around, give some is 1961 basis, Jacob and Jack Monod proposed a model for gene regulation. Aap jante hain, gene express itself in the form of protein. To kab gene expression se kya matlab hai? एक्सप्रेस करता है अपने आप को प्रोटीन के फॉर्म में, तो कब प्रोटीन बनेगा, कब प्रोटीन नहीं बनेगा, कौन सा प्रोटीन बनेगा, ये सब क्या है? जीन रेगुलेशन। प्रोकैरियोट में जीन रेगुलेशन ट्रांसक्रिप्शन लेवल पर होता है, लेकिन यूकैरियोट में क्या होता है, ये ट्रांसक्रिप्शन लेवल पे और जब स्प्लाइसिंग के लेवल पे, जब प्राइमरी जब मैसेंजर आरएनए ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है साइटोप्लाज्म में उस लेवल पर और ट्रांसलेशन लेवल पे जीन रेगुलेशन यूकैरियोट्स में होता है। लैक ऑपेरॉन, तो लैक वर्ड जो है लैक्टोज से लिया गया है, जो लैक्टोज से लिया गया है। लैक्टोज क्या है? आपका डाइसैकेराइड है, मिल्क शुगर। तो ये लैक्टोज जो है दो यूनिट से मिल करके बना है, ग्लूकोज और गैलेक्टोज से। ऑपेरॉन क्या है? ऑपेरॉन में जो होता है ग्रुप ऑफ जीन्स होते हैं जो एक कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं। तो यहाँ ग्रुप ऑफ जीन क्या क्या है, आप ये जो देख रहे हैं स्ट्रक्चरल जीन, यहाँ पे लैक ऑपेरॉन में तीन स्ट्रक्चरल जीन है, लैक जेड, लैक वाई और लैक ए, जो अलग अलग मैसेंजर आरएनए बनाएंगे तो फिर अलग अलग प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा। तो हमने कहा कि ऑपेरॉन क्या है, ग्रुप ऑफ जीन्स हैं जो कोऑर्डिनेटेड वे में काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं। तो पहला स्ट्रक्चरल जीन, देन ऑपरेटर जीन, और उसके बाद आपका प्रमोटर रेगुलेटर जीन। चार जीन यहाँ पे प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन और रेगुलेटर जीन, ये चारों मिलकर के जो है आपका ऑपेरॉन का निर्माण कर रहे हैं। तो ऑपेरॉन है क्या? इट इज अ पार्ट ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए, ये डीएनए का ही पार्ट है। तो यहाँ हम लोग देखेंगे तीन स्ट्रक्चरल जीन जो होता है एक ही प्रमोटर के द्वारा या एक ही ऑपरेटर के द्वारा कंट्रोल हो रहा है। तो स्ट्रक्चरल जीन आपका ये हो गया, यहाँ से जेड वाई ए स्ट्रक्चरल जीन है जो मैसेंजर आरएनए में अपने आप को ट्रांसक्राइब करेंगे। ऑपरेटर वन रीजन है जहां पर रिप्रेसर प्रोटीन बाइंड करेगा। ये रिप्रेसर को कौन बनाता है? रेगुलेटर जीन। ये जो आई आप देख रहे हैं ये क्या है? आपका रेगुलेटर जीन है जो एक प्रोटीन बनाता है जिसको हम लोग उसको रिप्रेसर कहते हैं, और ये रिप्रेसर ऑपरेटर साइड पे बाइंड करता है। और ये रीजन जो है आपका प्रोमोटर है, तो प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑपेरॉन। अब हम लोग यहाँ पे दो कंडीशन पढ़ेंगे, जब लैक्टोज मीडियम में है और जब लैक्टोज मीडियम में नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, जब लैक्टोज नहीं है, यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे लैक्टोज एब्सेंट है। तो लैक्टोज के एब्सेंस में क्या होगा, यहाँ पे ये जो आपका रेगुलेटर जीन है वो आपका मैसेंजर आरएनए बनाएगा, जो प्रोटीन बनेगा वो रिप्रेसर प्रोटीन होगा। ये रिप्रेसर प्रोटीन जा करके ऑपरेटर साइट से बाइंड करेगा, ऑपरेटर साइट से बाइंड कर गया, तब यहाँ जो प्रोमोटर साइट पे जो आरएनए पॉलीमरेज था वो अनेबल टू मूव, हाइंड्रेंस हो गया ना, आरएनए पॉलीमरेज जा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिप्रेसर बाइंड कर दिया है। तो इस वजह से क्या होता है, ये जो स्ट्रक्चरल जीन है आपका जेड बाई ए ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएगा, ठीक है, ट्रांसक्राइब नहीं हो पाएंगे, यानी प्रोटीन का यहाँ सिंथेसिस नहीं होगा, एंजाइम यहाँ नहीं बनेंगे। अगर लैक्टोज एब्सेंट है तो उसको लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए जो एंजाइम चाहिए वो भी नहीं बनेंगे, है ना। अगर लैक्टोज मीडियम में एब्सेंट है तो लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाले जो एंजाइम की हम लोग को आवश्यकता है, ये बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमिएज, ट्रांस एसिटाइलेज, ये सब नहीं बनेगा इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज, जब लैक्टोज एब्सेंट है। तो वो क्या रहा है, रेगुलेटर जीन, रिप्रे
सप्रेसर बना रहा है, रिप्रेशर ऑपरेटर साइट पे ज्वाइन कर दे रहा है, इस वजह से ये ट्रांसक्राइब नहीं हो पा रही है, स्ट्रक्चरल जीन ट्रांसक्राइब नहीं हो पा रहा है। इन दिस केस जब लैक्टोज मीडियम में है, ये सारी क्रिया हम लोग कहाँ देख रहे हैं, ई कोलाई में देख रहे हैं, ई कोलाई में। ये जो आपका जेकॉब और मोनार्ड ने अपना जीन एक्सप्रेशन के लिए जो मॉडल दिया था वो ई कोलाई में उन्होंने देखा था इस चीज को। तो यहाँ पे आपका लैक्टोज मीडियम में प्रेजेंट है, तो लैक्टोज एज ए इंड्यूसर के रूप में काम करता है। यहाँ इंड्यूसर क्या है, लैक्टोज है। रेगुलेटर जीन एज यूजुअल मैसेंजर आरएनए बना रहा है, जो रिप्रेसर मैसेंजर आरएनए है, फिर प्रोटीन बनेगा, रिप्रेसर प्रोटीन, इसको रिप्रेसर प्रोटीन कहेंगे। अब चूंकि लैक्टोज मीडियम में है तो ये लैक्टोज रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा और रिप्रेसर को इनएक्टिव कर देगा, ठीक है। रिप्रेसर यहाँ पे इनएक्टिव हो जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज। इस वजह से क्या होता है, अनेबल टू बाइंड टू ऑपरेटर साइट। इस वजह से क्या होता है, ये तो रिप्रेशर इनएक्टिव हो गया, इसलिए क्या है, ये जो है ऑपरेटर साइट पे बाइंड नहीं कर पाएगा, बाइंड नहीं करेगा। तो स्ट्रक्चरल जीन जो है यहाँ पे Z Y A ट्रांसक्राइब होंगे, मैसेंजर आरएनए बनाएंगे, मैसेंजर आरएनए बन गया यानी ट्रांसक्रिप्शन हो गया, ट्रांसलेशन भी होगा, ट्रांसलेशन हो गया यानी प्रोटीन बनेगा, प्रोटीन बना तो जीन एक्सप्रेशन हो रहा है। यानी अगर लैक्टोज मीडियम में है तो लैक्टोज को मेटाबोलाइज करने वाले एंजाइम बीटा गैलेक्टोसिडेज, परमेज और ट्रांस एसिटाइलेज का फॉर्मेशन होगा। बीटा ये तीनों एंजाइम का अलग अलग काम है। जैसे बीटा गैलेक्टोसिडेज लैक्टोज को तोड़ देता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज में, परमेज लैक्टोज का एंट्री सेल में बढ़ा देता है। इस तरह से आज हम लोगों ने लैक ऑपेरॉन किया है।